आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के बारे में। सीमा सुरक्षा बल BSF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। ये 1 दिसंबर 1965 को स्थापित किया गया था और 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में BSF दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। सीमा सुरक्षा बल BSF भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाला प्राथमिक सुरक्षा बल है। BSF भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की सीमाओं की रखवाली और शांतिकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए काम करता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्र सरकार की एजेंसी है। सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख को DG कहा जाता है, जो भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं। BSF देश की इकलौती ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास खुद की एयर विंग, मरीन विंग, आर्टिलरी रेजिमेंट और खुद की कमांडो बटालियन है। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल के प्रधान अधिकारी को महानिदेशक कहा जाता है। महानिदेशक की वर्दी पर तलवार और डंडा एक क्रॉस के रूप में रहता है और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का चिन्ह भी प्रस्तुत किया जाता है। KF रुस्तम जी सीमा सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा प्रबंधन प्रणाली व्यक्तिगत राज्य पुलिस बलों के हाथों में थी और ये सीमा खतरों से ठीक निपटने में असमर्थ साबित हुई। इसके बाद सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में बनाया, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के विशिष्ट जनादेश के साथ था। भारतीय पुलिस सेवा से KF रुस्तम जी BSF के पहले महानिदेशक थे। 1965 तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन द्वारा बनाई गई थी। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को कच्छ में सरदार पोस्ट, छारबेट और बेरियाबेट पर हमला किया। इसने सशस्त्र आक्रामकता से निपटने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस की अपर्याप्तता का खुलासा किया, जिसके कारण भारत सरकार ने विशेष रूप से नियंत्रित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस की, जिसे पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने के लिए सशस्त्र और प्रशिक्षित किया जाएगा। सचिवों की समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को KF रुस्तम जी के साथ अपने पहले महानिदेशक के रूप में अस्तित्व में आया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में BSF की क्षमताओं का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में पाकिस्तानी ताकतों के खिलाफ किया गया था जहाँ नियमित बल कम फैलाए गए थे। BSF सैनिकों ने लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई समेत कई परिचालनों में हिस्सा लिया। वास्तव में BSF के लिए दिसंबर 71 में युद्ध वास्तव में टूटने से पहले पूर्वी मोर्चे पर युद्ध शुरू हो गया था। BSF ने मुक्तिवाहिनी का हिस्सा प्रशिक्षित समर्थक और गठित किया था और वास्तविक शत्रुताएं टूटने से पहले पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश कर चुका था। BSF ने बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान ने भी स्वीकार किया था। BSF ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब और अमृतसर के हरमिंदर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, परिसर की इमारत से आतंकवादी धार्मिक नेता जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके अनुयायियों को हटाने के लिए 1 से 8 जून 1984 के बीच की गई एक भारतीय सैन्य कार्रवाई का कोड नाम था। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल ज़िले और नियंत्रण रेखा LOC के साथ कहीं और हुआ था। भारत में संघर्ष को ऑपरेशन विजय भी कहते हैं, जो कारगिल क्षेत्र को खाली करने के लिए भारतीय ऑपरेशन का नाम था। भारत पाकिस्तान गतिरोध 2001 और 2002 में हुआ था। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य गतिरोध था, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा के दोनों ओर कश्मीर के क्षेत्र में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर सैनिकों की बड़े पैमाने पर भीड़ थी। BSF को कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें सैन्य पुरस्कारों की बात की जाए तो महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा पदक, शौर्य चक्र, सेना मेडल और वशिष्ट सेवा पदक दिए जाते हैं। नागरिक पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्म भूषण, पद्मश्री, जीवन रक्षक के लिए प्रधानमंत्री का पदक और
अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस पदक की बात करें तो गैलेंट्री के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाता है। 1947 से 1965 तक स्वतंत्रता में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा प्रत्येक सीमावर्ती राज्य से संबंधित स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिसमें थोड़ा सा समन्वय था, राज्य समन्वय था, जिसके चलते BSF को भारत की सभी सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सुरक्षा बल के रूप में बनाया गया था। ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सरकार की एजेंसी है। ये भारत की कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों में से एक है और वर्तमान में ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.